हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 10 MCQ क्वेश्चन, जो होगा चैप्टर 6 से, जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं यहाँ पे क्लियर। क्वेश्चन नंबर 1 में, पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स ABC एंड PQR 24 सेंटीमीटर एंड 36 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। कह रहा है इफ PQ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर देन लेंथ ऑफ AB इज। अब देखिए यहाँ पे क्लियर कह दिया कि दो ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है। कौन से दो ट्रायंगल है? तो ट्रायंगल है हमारा ABC एंड ये सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, PQR। एंड उसके बाद दे दिया है कि इसके जो पेरीमीटर है वो है 24 सेंटीमीटर एंड 36 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे PQ दे रखा है कितना, PQ इज इक्वल टू दे रखा है यहाँ 12 सेंटीमीटर, राइट। अब हमसे पूछा जा रहा है कि AB कितना होगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे हमें क्लियर पता चल गया कि दो ट्रायंगल सिमिलर है, तो इसके कोरिस्पॉन्डिंग साइड की जो रेशियो होगा इसके कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम सिंपली लगा सकते हैं, सिंस ट्रायंगल AB से सिमिलर ट्रायंगल PQR, सो बाय CPST। अगर हम CPST ले लेते हैं कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, तो देखो ये हमें क्या मिल जाएगा, क्योंकि हमें PQ का तो इस्तेमाल करना ही है। तो देखिए PQ क्या है, शुरू के 2 है PQ, तो शुरू का 2 यहाँ पे क्या आ रहा है, AB। तो यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा AB अपॉन PQ एंड इज इक्वल टू, अब देखिए पेरीमीटर गिवन है ना, तो डायरेक्ट पेरीमीटर ले लेते हैं यहाँ पे, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। देखिए यहाँ पे AB किस वाले ट्रायंगल की साइड है, ABC की, तो ये ABC ही आ जाएगा। एंड डिवाइडेड बाई यहाँ पे ये भी रेशियो चलेगा कौन सा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे चलेगा PQR, राइट। अब देखिए AB हमें नहीं पता, AB की जगह आप AB ही रखें, एंड अपॉन PQ, PQ पता है कितना 12, एंड इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, तो ABC का कितना है पेरीमीटर 24, 24 पुट कर दें, एंड डिवाइडेड बाई PQR की पेरीमीटर कितना है 36, तो यहाँ 36 पुट कर दें। अब देखिए 12 के टेबल में ये दोनों आते हैं, 12 से कैंसिल कीजिए, 12 2 24, 12 3 36, एंड उसके बाद फिर यहाँ से 3 से इसको भी कैंसिल कर लीजिए, 3 1 3 एंड 3 4 12, तो फाइनल AB इज इक्वल टू जो मिल जाएगा यहाँ से आपको 4 2 8 क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो AB इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो फाइनल देख लीजिए AB ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, इन दैट ज्वाइनिंग फिगर 1, ये जो फिगर है हमारा ये 1 है, कह रहा है ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF है, ये ABC एंड DEF सिमिलर है, तब कह रहा है कि एक्स की वैल्यू कितना होगा। बस जैसे कह दिया कि ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF, तो इसकी कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट्स ले लेते हैं, यानी बाय सीपीएसटी इसकी कोरिस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, इक्वल होगी। तो चलिए ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं एक AB, तो AB का कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट कौन सा हो जाएगा, DE, शुरू के 2 ले रहे हैं इसलिए DE, एंड इज इक्वल टू, अब एक ऐसा करते हैं ना, ये वाली साइड ले लेते हैं 3x वाला, क्योंकि ये सिंपल है, इसमें फिर कोई कॉन्स्टेंट टर्म भी प्लस या माइनस में नहीं है, तो एक दूसरा ले लेते हैं AC। तो देखिए AC कहाँ आ गया, एक हमने शुरू का लिया ये A, मिडिल वाले को छोड़ दिया, तो वही चीज़ यहाँ पे मिडिल वाले को छोड़ देंगे तो क्या लेंगे, D एंड F, ये ले लिया हमने DF, बस वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो देखिए AB कितना दे रखा है 2x-1, तो 2x-1 रख लीजिए, एंड अपॉन DE, DE कितना है 18, तो 18 पुट कर लीजिए, एंड इज इक्वल टू AC, 3x है तो 3x, एंड डिवाइडेड बाई DF, एंड DF ये हमारा 6x, तो 6x रख लिया। अब देखिए 3x इससे ये कैंसिल डायरेक्ट हो जाए, कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स में, एक्स एक्स कैंसिल कर दीजिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, एंड 2 से हम 18 को भी कैंसिल कर सकते हैं, 2 9 जाए 18, क्यों, क्योंकि बीच में इक्वल है, तो हम न्यूमिनेटर से न्यूमिनेटर को, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से कैंसिल कर सकते हैं। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देखिए क्या आ जाएगा, 2x-1 इज इक्वल टू 9 1 जा 9, तो फाइनल यहाँ से 2x इज इक्वल टू, इसको इसकी तरफ शिफ्ट कर देंगे तो कितना बन जाएगा ये 10, सो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 5 जा 10, तो फाइनल x की जो वैल्यू आ गई हमारा वो 5, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर B। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, इन फिगर 2, ये जो है हमारा ये फिगर 2 है, ये ट्रायंगल वाला, AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, AB ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, AC 13 सेंटीमीटर, ये जो AC है ये हमारा कितना है 13 है,
एंड उसके बाद सी डी 4 सेंटीमीटर दे रखा है, ये सी डी 4 सेंटीमीटर है, एंड उसके बाद डी ई 5 सेंटीमीटर, डी ई ये 5 सेंटीमीटर है। तब पूछा जा रहा है देन द वैल्यू ऑफ बी ई, बी ई यानी कि यहाँ से यहाँ की लेंथ पूछा जा रहा है, ये बी ई कितना होगा। तो देखिए ऐसा करते हैं ना कि हम ट्राइंगल ए बी सी में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, इससे हमें क्या मिल जाएगा, बी सी, बी से सी तक का डिस्टेंस। और अगर अगेन हम ट्रायंगल डी ई सी में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे तो हमें ई सी मिल जाएगा, और हमें ये पूरा पता होगा, यानी पूरा बी सी पता है और ई सी पता है, तो हम बी इजिली निकाल पाएंगे। तो आइए वही चीज़ें करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे कौन सी साइड निकालेंगे, बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी में हम साइड निकालने जा रहे हैं कौन सी, बी सी। तो इसके लिए क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट, और पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम के लिए हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी साइड जो होती है उसके स्क्वायर से हम माइनस कर देते हैं जो भी छोटी साइड दिया होता है उसका स्क्वायर, या यूं समझ ले जो गिवन साइड होगा उसका स्क्वायर। तो बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, 13 का स्क्वायर 169 एंड -5 का स्क्वायर 25। देखिए बी सी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा अब आपको, स्क्वायर रूट 9 से 5 जाएगा 4, यानी ये 144 मिल जाएगा आपको। अब हमें पता है कि ए 144 का स्क्वायर रूट जो होता है वो कितना होता है, 12। तो हमें पता चल गया कि बी सी जो मिल गया हमें वो 12 सेंटीमीटर मिल गया। नाउ इन ट्रायंगल डी ई सी, डी ई सी, इसमें देखिए हमें क्या निकालना है, ए सी निकालना है, क्योंकि ये 5 दे रखा है और ये 4 दे रखा है। तो जैसे ही हम अगर ए सी कैलकुलेट करेंगे तो ए सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, वही पाइथागोरस थ्योरम लगा के अप्लाई करें आप जो कॉन्सेप्ट है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, एंड -4 का स्क्वायर 16। तो ये मिल जाएगा अब आपको क्या, ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट 9, एंड 9 कितना निकलता है, 3, यानी ये जो साइड निकल गया ए सी ये 3 निकल गया। अब खुद सोचिए यहाँ से यहाँ ये पूरा बी सी है, यानी ये बी है और ये हमारा सी है, ये पूरा कितना मिल चुका है हमें, 12, यानी यहाँ से यहाँ तक मिल चुका है ये 12 सेंटीमीटर। और यहाँ से यहाँ पे कोई पार्ट है ई, ई से सी तक का जो डिस्टेंस हमें मिल गया ई सी, ये देखिए ई सी वो कितना मिल चुका है, 3, यानी कि यहाँ से यहाँ मिल गया ये 3। तो डेफिनेटली बी से ई तक कितना होगा, ये 9 सेंटीमीटर होगा, जब ही तो 9 + 3 करेंगे तो 12, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 9 सेंटीमीटर। किधर रहा तो ऑप्शन नंबर 3 का ये। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर 3, ये जो फिगर है हमारा 3 है, ए बी पैरेलल डी ई है, ये ए बी और डी ई एक दूसरे के पैरेलल है, देन द वैल्यू ऑफ डी ई इज, डी ई की वैल्यू क्या होगी, ये वाली साइड हमें निकालना है। देखिए यहाँ पे बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि जैसे ये साइड दे रखा है ए बी एंड डी पैरेलल तो हम बीपीटी थ्योरम इस्तेमाल करेंगे, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे हमें कई बार बीपीटी थ्योरम तो इस्तेमाल करना ही पड़ता है, बट कई बार ऐसा होगा कि हमें सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना पड़ जाता है, और वही चीज़ हम इस बार निकालेंगे। तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमें सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल इस्तेमाल करना है, तो देखो जब भी अगर आपको ये साइड निकालनी हो डी ई या फिर ए बी, इन दोनों में से कोई भी एक साइड अगर निकालनी हो तो आप समझ जाओ कि सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल इस्तेमाल करना है आपको। और सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल कौन सा, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले मेंशन करने लेते हैं, यहाँ पे हम ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल, दो ट्रायंगल ही बन रहा है यहाँ पे, देखिए एक तो बन रहा है हमारा ये ए बी सी पूरा बड़ा ट्रायंगल, और दूसरा सी डी ई, ट्रायंगल सी डी ई, राइट। अब इसमें देखिए एंगल सी जो है ये क्या है, कॉमन है, तो हम यहाँ पे क्लियर मेंशन कर सकते हैं एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी। एंड उसके बाद ये गिवन है, सिंस ए बी पैरेलल डी ई, जब ये पैरेलल है तो देखिए डेफिनेटली ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, और किस अकॉर्डिंग होगा, ये तो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल है। तो यहाँ पे हम क्लियर कह सकते हैं एंगल बी इज इक्वल टू जो होगा वो हो जाएगा हमारा एंगल डी, या फिर इसको हम पूरे प्रॉपर वे में लिखें तो सी डी ई हो जाएगा, ये हमारा एंगल सी डी ई। सिमिलरली एंगल ये वाला इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, वैसे तो हमें इसको दिखाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि दो एंगल एक ऑलरेडी इक्वल हो गया, बट फिर भी लिख लें आप यहाँ पे एंगल ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल सी ई डी, सी ई डी। अब देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल की 3 एंगल दूसरे ट्रायंगल के 3 एंगल के इक्वल हो गया, तो हम यहाँ पे क्लियर कह सकते हैं बाय ए ए ए ट्रायंगल,
यहाँ पे तो ए बी सी ही लिखते हैं, बड़ा सा ट्रायंगल ए बी सी, एंड इसके सिमिलर कौन सा ट्रायंगल होगा, तो थोड़ा सा अलर्ट होके हम लिखेंगे यहाँ पे ए बी सी। देखिए एंगल ए किसके इक्वल है, तो एंगल ए जो इक्वल है वो ई के इक्वल है ना, यहाँ पे एंगल ए और मिडिल वाला एंगल शो होता है, तो यहाँ पे आप ई लिखेंगे। क्यों ई लिखेंगे, क्योंकि पहले ए आ रहा है। उसके बाद बी है, तो देखिए बी किसके इक्वल है, डी के इक्वल है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, डी। एंड उसके बाद सी, तो सी सी के इक्वल है, तो आप यहाँ पे सी लिख लेंगे, यानी ई डी सी। यानी जिस ट्रायंगल को नाम हम सी डी ई कह रहे थे ना, वो सिमिलर यहाँ पे अगर हम लिखना चाहेंगे तो ई डी सी लिखना पड़ेगा इसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे हम आ जाएंगे बाई सी पी सी टी, बाय सी पी एस टी, नॉट सी टी। ओके, अब यहाँ पे देखिए हमें क्या निकाल लेना है, जो साइड गिवन होगा उसको तो हम लेंगे ही, ए बी गिवन है तो आप ए बी को ले लेते हैं हम, तो ए बी एंड डिवाइडेड बाय दूसरी साइड। देखिए ए बी की कोरिस्पोंडिंग कौन सा होगा, ये शुरू के दो हैं, तो यहाँ पे हमें शुरू का दो लेना पड़ेगा ई डी, तो चलिए यहाँ पे हम ई डी कह लेते हैं इसको। एंड इज इक्वल टू, दूसरी साइड कौन सी गिवन है, देखिए यहाँ पे एक ये साइड गिवन है 4 एंड दूसरा ये साइड गिवन है 8। हम ट्रायंगल किस पहले कौन सा ट्रायंगल सिमिलर है, ए बी सी, तो हमें पूरी साइड लेनी पड़ेगी यानी बी सी, तो यहाँ पे बी सी ले ले। एंड अपॉन इसकी जो ट्रायंगल है ई डी सी, ई डी सी इसकी साइड हमें लेनी होगी, तो ये कौन सा लेंगे हम, सी डी। आप ऐसे भी देख सकते हैं बी सी के सिमिलर, ये देखिए लास्ट के दो हो गया ना बी सी, तो लास्ट का दो देख लीजिए कौन सा ले सकते हैं आप, डी सी या सी डी, तो कुछ भी लिख ले डी सी एंड सी डी। अब देखिए ए बी दे रखा कितना 3 सेंटीमीटर, तो 3 एंड अपॉन ई डी, ई डी तो हमें निकालना ही है, ई डी कह ले या फिर डी ई कह ले, जो यहाँ पे निकालना है, तो ई डी को अब इस बार ना हमने डी ई कह दिया। अब इज इक्वल टू बी सी, तो देखिए पूरा बी सी कितना मिल जाएगा, बी से सी तक ये 4 है और ये 8 है, तो ये कितना हो जाएगा 12, एंड अपॉन डी सी, डी सी कितना है 8, तो 8 4 की टेबल से कैंसिल हो रहा, कैंसिल कर दीजिए, 4 3 12 एंड 4 2 8। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो देखिए क्या मिल जाएगा अब आपको, 3 DE इज इक्वल टू 3 2 6, तो यहाँ से अगर आप DE कैलकुलेट करेंगे तो 3 2 क्या हो जाएगा 6, यानी 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी करेक्ट है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5th देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, इन इन द गिवन फिगर 4, ये जो फिगर है हमारा 4 है, पी क्यू पैरेलल बी सी एंड पी आर पैरेलल सी डी, ये जो पी क्यू है ये पैरेलल है बी सी के, एंड दूसरा ये साइड पैरेलल है हमारा सी डी के, इस वाली साइड के पैरेलल है, राइट। अब आगे कह रहा है एंड ए आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ए आर, ये देखिए ये जो ए आर है ये 3 है, ए डी 12 है, ए से डी तक पूरा 12 है, और ये ए आर 3 है, इसका मतलब आर डी कितना हो जाएगा 9, तो यहाँ पे हमने 9 कर दिया। एंड ए क्यू इक्वल टू कितना है 4 सेंटीमीटर, ये 4 है। तब हमसे पूछा जा रहा है कि ए बी कितना होगा, तो ए बी हम तभी निकाल पाएंगे जब हमें बी क्यू पता होगा। तो देखिए इसके लिए क्या करते हैं, जो कंडीशन गिवन है उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो गिवन है कंडीशन हमारा पी क्यू पैरेलल बी सी, तो इसके देखो ये किस वाले ट्रायंगल में आ रहा है, ये पी क्यू एंड ये बी सी किस वाले ट्रायंगल में आ जाएगा, तो डेफिनेटली ये आएगा ए बी सी वाले ट्रायंगल में, तो यहाँ पे ले लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, इसमें क्या हो रहा है पी क्यू पैरेलल है बी सी के, सो बाय बाय हम क्या कह सकते हैं, बी पी टी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इसके अकॉर्डिंग क्या ले सकते हैं हम, तो ये ले सकते हैं ए क्यू अपॉन क्यू बी, ए क्यू अपॉन क्यू बी एंड इज इक्वल टू ए पी अपॉन पी सी, ए पी अपॉन पी सी, राइट। सिमिलरली यहाँ पे देखें इस वाले ट्रायंगल में क्या दे दिया, पी आर पैरेलल सी डी, पी आर पैरेलल सी डी इस वाले ट्रायंगल में, तो अगेन अगर हम बाई बीपीटी थ्योरम ले लेते हैं तो यहाँ पे देखिए हमें क्या मिल जाएगा, ए पी अपॉन पी सी, या फिर पहले चलिए हम इधर वाली साइड ही ले लेते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, ये ए एंड अपॉन आर डी एंड इट विल इक्वल टू ए पी अपॉन पी सी, ए पी अपॉन पी सी, अगेन इसमें हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगा रहे हैं। अब देखिए अगर इसको हम इक्वेशन 1 कह रहे हैं और इसको इक्वेशन 2 कह रहे हैं, तो इक्वेशन 1 एंड 2 को कंपेयर करें, तो ए पी अपॉन पी सी के इक्वल ए क्यू अपॉन क्यू बी है, एंड अगेन ए पी अपॉन पी सी के इक्वल है ए आर अपॉन आर डी, इसका क्या मतलब हो गया कि डेफिनेटली अगर हम फ्रॉम 1 एंड 2 चलते हैं तो क्या मिल जाएगा यहाँ से हमें, ए क्यू अपॉन क्यू बी एंड इट विल इक्वल टू ए आर अपॉन आर डी,
इसके इक्वल होगा, क्योंकि एल एच एस इक्वल है तो आर एच एस इक्वल कर देंगे। बस अब इस वाले में क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं ए क्यू। तो देखिए ए क्यू कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर, तो 4 पुट कर ले, एंड अपॉन क्यू बी। क्यू बी हमें नहीं पता तो क्यू बी को क्यू बी ही रखते हैं, या बी क्यू बी कह सकते हैं इसको। एंड इट विल इक्वल टू ए आर, ए आर है हमारा 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर अपॉन आर डी। आर डी कितना हो गया, 9 सेंटीमीटर। यहीं पे कैंसिल कर लेते हैं, 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9। तो देखिए फाइनल क्या मिल जाएगा यहाँ से हमें, 4 अपॉन क्यू बी इट विल इक्वल टू 1 अपॉन 3। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सीधा सीधा क्या मिल जाएगा यहाँ से हमें, क्यू बी इज इक्वल टू 4 2 जा 12, राइट। अब हमें क्या निकालना है, ए बी निकालना है, तो चलिए ए बी निकाल लेते हैं। ए बी इज इक्वल टू डेफिनेटली क्या होगा ये, ए क्यू एंड प्लस क्यू बी, राइट। तो अब यहाँ से हमें ए बी क्या मिल जाएगा, ए बी इज इक्वल टू ए क्यू है हमारा कितना, 4, तो 4 एंड प्लस क्यू बी। क्यू बी अभी अभी हमने निकाल लिया 12, तो ये 12 यानी 4 प्लस 12 डेट इज 16 सेंटीमीटर इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर 5, ये जो हमारा फिगर है ये 5 है, पी क्यू पैरेलल बी सी है, ये पी क्यू पैरेलल बी सी गिवन है, एंड ए पी रेशियो पी भी 3:7 है। ए पी रेशियो पी भी 3:7 है, यानी ये 3 यूनिट है एंड ये 7 यूनिट है। तब कह रहा है देन एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पी क्यू सी बी इज, पी क्यू सी बी, ये देखिए पी क्यू पैरेलल बी सी है तो डेफिनेटली पी क्यू सी बी क्या हो जाएगा, एक ट्रेपेजियम हो जाएगा। तो इसकी ही एरिया हमें बतानी है कि ये पूरी एरिया कितनी होगी, ये जो दिख रहा है आपको शेडेड पोर्शन, ये कितना होगा। तो देखिए इसके लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि पूरे ट्रायंगल की एरिया अगर हम निकाल लें, है ना, ट्रायंगल एबीसी की एरिया, उसमें से माइनस कर दें अगर हम ट्रायंगल एपीक्यू की एरिया, तो ये डेफिनेटली ये नीचे वाली एरिया बच जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल का इस्तेमाल करते हैं। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल का इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि ट्रायंगल ये छोटा सा ए पी क्यू और ट्रायंगल ये बड़ा ए बी सी दोनों सिमिलर होगा। कैसे सिमिलर होगा, तो वो देखिए एंगल ए इज इक्वल टू, पहले तो मेंशन ये कर लेते हैं, इन ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ट्रायंगल ए बी सी, इस दोनों ट्रायंगल में, तो एंगल ए इज इक्वल टू क्या है, एंगल ए है, ये कॉमन एंगल हो गया, राइट। एंड दूसरा, जब पी क्यू पैरेलल दे रखा है बी सी, पी क्यू पैरेलल बी सी दे रखा है, इसका क्या मतलब हो गया कि ये एंगल डेफिनेटली इक्वल होगा इस वाले एंगल के, और इसको हम कहते हैं कौन सा, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल कौन सा हो जाएगा, ये हमारा ए बी सी, या सिंपली हम इसको बी कह सकते हैं। सिमिलरली इस तरीके से एंगल ए क्यू पी इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल सी के, यानी ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा किसके, इस वाले एंगल के। तो बाई तीन, एक ट्रायंगल की 3 एंगल दूसरे ट्रायंगल के 3 एंगल के इक्वल हो गया, तो हम कह सकते हैं बाय ए ए ए ट्रायंगल, यहाँ पे तो चलिए नाम ए पी क्यू ही लिखते हैं, ए पी क्यू ये सिमिलर होगा ट्रायंगल किसके, तो देखिए ए के इक्वल ए ही है तो यहाँ भी ए ही आ जाएगा। उसके बाद पी, पी इक्वल है किसके, बी के, तो यहाँ पे तो बी आ जाएगा। एंड उसके बाद क्यू इक्वल है सी के, तो सी इसके इक्वल हो गया। अब बाय सी पी सी टी हम क्या करते हैं, दोनों की एरिया निकाल लेते हैं। तो हमें पता है कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर है तो इनकी एरिया के जो रेशियो होता है वो कोरिस्पॉन्डिंग साइड की स्क्वायर की रेशियो होता है। तो बस यहाँ पे वही चीजें इस्तेमाल कर लेते हैं हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू एंड टू द रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो ये किसके इक्वल होता है, कोरिस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर की रेशियो होता है। तो देखिए कोरिस्पॉन्डिंग साइड यानी ए पी एंड पी बी दे रखा है, ए पी, तो हम पहले तो ए पी क्यू ले रहे हैं, तो ए पी क्यू का तो 3 ही आ जाएगा, एंड अपॉन हमें ए बी सी की साइड लेनी है। तो पहले तो इसके कोरिस्पॉन्डिंग साइड अगर लिखने की कोशिश करें तो सब, चलिए हम सबसे पहले क्या ले लेते हैं इसका, ए पी, एंड डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, ए बी सी की साइड, तो ए बी सी की साइड ए पी की रेशियो में देखें यहाँ पे ये ए पी है, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, ए बी, तो यहाँ ए बी आ जाएगा, राइट। अब देखें यहाँ पे निकाल लेते हैं, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू एंड डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एंड इट विल इक्वल टू, और अच्छा इसकी स्क्वायर का भी तो होगा, हाँ, तो ए पी, ए पी कितना दे रखा है, देखिए ए पी दे रखा है 3, एंड 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा ये 9, एंड अपॉन ए बी, तो ए बी तो ये पूरा हो जाएगा ना, ए पी एंड पी बी दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो 3 प्लस 7 डेट इज
टेन, और टेन का स्क्वायर क्योंकि ऊपर में स्क्वायर भी है, तो टेन का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100। अब देखिए यहाँ से हम ये रेशियो यानी यूनिट ले सकते हैं यहाँ से हम क्लियरली, यानी ए ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी को हम ले सकते हैं कि ये क्या है, 100 यूनिट है वैसे तो यहाँ पे ये रेशियो में, बट हम फॉर द टाइम बिंग ऑप्शन के थ्रू अगर जाना चाहते हैं तो ले सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना हो गया, 100 स्क्वायर यूनिट, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें मिल गया यहाँ से ए पी क्यू, और ये कितना है, 9 स्क्वायर यूनिट। तो देखिए अगर पूरे में से ए बी सी में से अगर इस वाले ट्रायंगल को हम माइनस कर दें, इस वाले को जिसको हम शेड कर रहे हैं, तो ये नीचे वाला पोर्शन बच जाएगा डेफिनेटली। तो बस वही चीज़ें कर रहे हैं, यानी कि ए बी सी पूरे में से 9 को माइनस कर दोगे तो 100 माइनस 9 डेट इज़ कितना आ जाएगा, 91 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या हो जाएगा, ये 91 सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट्स। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर 6 ए बी पैरेलल सी डी, ये जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल है। अच्छा एक चीज़ और भी, इसकी साइड भी गिवन है, ये 2x होगा एंड ये x होगा, इस क्वेश्चन में मेंशन करना मेंशन नहीं किया गया है, बट ये 2x होगा और ये x होगा। अब उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, ट्रायंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 84 स्क्वायर यूनिट है, ए ओ बी ये जो है वो 84 स्क्वायर यूनिट है। दूसरा तब पूछ रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी कितना होगा, सी ओ डी हमें से पूछा जा रहा है। तो देखिए डेफिनेटली ये दोनों ट्रायंगल जो होगा वो क्या होगा, सिमिलर होगा। क्यों होगा सिमिलर, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्लियर कह रहा है कि ए बी पैरेलल क्या है, सी डी है, ए बी पैरेलल सी डी है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। वैसे ये जो आपको लाइन टेढ़ा दिख रहा है ना, ये बेसिकली टेढ़ा नहीं होगा, यहाँ से स्ट्रेट होगा, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। एंड उसके बाद पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, कौन सा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सिमिलरली ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाएगा। तो एक ट्रायंगल के तीन एंगल दूसरे ट्रायंगल के तीन एंगल के इक्वल हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि ट्रायंगल ए ओ बी ये सिमिलर हो गया ट्रायंगल इसको, ये एंगल ए जो है वो किसके इक्वल हो रहा है, एंगल डी के। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं डी, एंड वो तो ओ के ही जगह रहेगा, एंड ये सी, डी ओ सी के इक्वल है। तो बस कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट का अब हमें पता है कि एरिया दे रखा है ना, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी एंड टू दी रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ओ सी, एंड इट विल इक्वल टू क्या होगा, कोरिस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर की रेशियो। तो कोरिस्पॉन्डिंग साइड जो गिवन है ना वही ले लेते हैं। देखिए ए बी गिवन है तो हम इसका क्या लेते हैं, ए बी यानी मिडिल वाले को छोड़ करके, तो ए बी एंड अपॉन यहाँ भी अगर मिडिल वाले को छोड़ देंगे तो ये क्या जाएगा, डी सी या सी डी, एंड इसका क्या होगा, स्क्वायर। तो ए ओ बी की एरिया दे रखा है कितना, 84 स्क्वायर यूनिट, तो यहाँ पे रख ले 84 स्क्वायर यूनिट। और हमसे डी ओ सी की एरिया पूछा जा रहा है, हमें नहीं पता, चलिए हमने फॉर द टाइम बिंग एक्स सेलेक्ट कर लिया, इतना लिखने से बेटर है कि एक एक्स लिख लें। एंड ए बी तो ए बी कितना दे रखा है, ये 2x, तो यहाँ पे 2x कर ले, एंड अपॉन डी सी ये दे रखा है सिंपली x, एंड इसका स्क्वायर है तो ए स्क्वायर। अब देखिए x x कैंसिल हो जाएगा, तो 84 अपॉन x एंड इट विल इक्वल टू 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, यानी 4x इज इक्वल टू कितना आ गया, 84, सो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 21, यानी कि एरिया ट्रायंगल डी ओ सी जो मिल गया हमें वो कितना मिल गया, 21 स्क्वायर यूनिट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, इन फिगर 7, ये जो हमारा फिगर है ये 7 है, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर है, ए बी ये भी 12 सेंटीमीटर है, बी सी ये भी 12 सेंटीमीटर है, एंड ए ई इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये जो ए ई है ये 5 सेंटीमीटर है। तब पूछ रहा है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बी सी डी ई, बी सी डी ई की पेरीमीटर कितना होगा। तो सिंपल है, ये तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। देखिए ये 5 है और ये ए ई, और सॉरी ये ए बी 12 है एंड ये ए ई 5 है। तो जब हम पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई करेंगे, क्यों पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ए बी ई। तो यहाँ से जब हम बी ई कैलकुलेट करेंगे तो बी ई के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट 12 का स्क्वायर एंड माइनस 5 का स्क्वायर। तो फाइनल क्या मिल जाएगा यहाँ से हमें, बी ई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 144 एंड माइनस 25। तो देखिए बी ई इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, तो बी जो हमें मिल जाएगा वो मिल जाएगा स्क्वायर रूट एंड वन और सॉरी ठीक है, ये तो हमें बड़ी साइड निकालनी है ना, तो बड़ी साइड के लिए क्या करते हैं, प्लस करते हैं ना, तो ये तो प्लस हो जाएगा, तो ये क्या मिल जाएगा अब आपको, 169 एंड इट विल इक्वल टू 30, राइट। तो बी जो मिल गया हमें वो कितना मिल गया, ये 13 मिल गया। अब देखिए हमें इसकी पेरीमीटर निकालना है,
तो ये 13 है एंड ये 12 है, जब हम दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25, एंड 25 पे डबल कर दीजिए तो 50, यानी करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। डबल क्यों करेंगे, तो सीधी सी बात है ना, हमें पता है ना कि 2 × क्या होता है, एल प्लस बी होता है, एल प्लस बी का डबल करना पड़ता है, या फिर ये 13 है तो ये भी 13 ले लीजिए और ये 12 है तो ये भी 12, अब ऐड करके देखिए तो ये 50 ही आना है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, एन एरोप्लेन लिव्स एन एयरपोर्ट एज अ फ्लाई ड्यू टू नॉर्थ एट ए स्पीड ऑफ 300 किलोमीटर पर आवर, एट द सेम टाइम अनदर एरोप्लेन लिव्स द सेम एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू टू वेस्ट एट द स्पीड ऑफ 400 किलोमीटर पर आवर, हाउ फार अपार्ट विल बी टू प्लेन्स आफ्टर 1.5 आवर, यानी 1.5 आवर के बाद वो कहाँ होंगे एक दूसरे से। तो देखिए वैसे ये क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, मैं हिंट कर देता हूँ, ये हमारा क्या होता है नॉर्थ एंड ये साउथ, ये ईस्ट एंड ये वेस्ट। तो देखिए पहले में क्या कह रहा है कि नॉर्थ की डायरेक्शन में जा रहा है किस स्पीड से, 300 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, और हमसे पूछा जा रहा है कि 1.5 घंटे के बाद, 1.5 आवर के बाद कितना होगा, तो 1.5 आवर के बाद ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, तो डेफिनेटली ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो होगा 450 100, तो नॉर्थ की तरफ, यानी कि ये इसको आपको, ये जो पॉइंट है इसको एयरपोर्ट समझे, यानी कि इसको आपको एयरपोर्ट लेके चलना पड़ेगा, एयरपोर्ट। तो यहाँ से ये नॉर्थ के डायरेक्शन में चला कितना, 450 किलोमीटर, ये हमने कैसे लगाया 450 किलोमीटर, तो देखिए 1 घंटा में 300 किलोमीटर जा रहा है और यहाँ पे 1.5 घंटे चल रहा है, तो आप हिसाब लगाएं तो यहाँ पे निकल जाएगा 450, या फिर सीधा सीधा डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करें तो भी यही आएगा। अब मान सपोज कर लीजिए कि वो जो फ्लाइट है यहाँ पे आ चुका है, दूसरी फ्लाइट जा रही है किसकी तरफ, अनदर एट द सेम टाइम लिव्स द सेम एयरपोर्ट और किस डायरेक्शन में है, एट द फ्लाइट ड्यू टू वेस्ट, वेस्ट के डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और उसकी 400 किलोमीटर है, तो देखिए मान लीजिए कि वो फ्लाइट यहाँ पे आ चुका है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 घंटे में 400 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो 1.5 घंटे में कितना हो जाएगा, 600 किलोमीटर, यानी कि अब आपको ये डिस्टेंस बताना है कि ये दोनों के बीच का कितना होगा, यानी सिंपली यूँ समझ ले कि डब्ल्यू एन बताना है आपको, तो सिंपल है यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, 90 डिग्री का एंगल है, तो हाइपोटेनियस निकाल लीजिए, हाइपोटेनियस जो अब जैसे अभी अभी हमने निकाला था क्वेश्चन नंबर 8 में, सिमिलरली वही कॉन्सेप्ट निकाल के अप्लाई करेंगे, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर 8, ये फिगर 8 है हमारा, ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ए बी सी जो है ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, एंड बी डी परपेंडिकुलर ए सी, ये बी डी ए सी पे परपेंडिकुलर भी है, इफ ए डी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ये हमारा 4 सेंटीमीटर है, एंड सी डी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है, देन लेंथ ऑफ ए बी इज, तब ए बी की लेंथ पूछा जा रहा है कि ये ए बी कितना होगा। तो देखिए इसके लिए एक थ्योरम है, ये आपको पता होना चाहिए और आपको याद भी रखना पड़ेगा कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी हो और उसके राइट एंगल ट्रायंगल जो है यहाँ, ये जो एंगल बन रहा है यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की जाएगी इसके अपोजिट साइड पे, तब इस वाली लाइन का स्क्वायर यानी बीडी का स्क्वायर ये इक्वल होता है इन दोनों के प्रोडक्ट के, एडी इंटू सीडी के, एडी इंटू सीडी के, ये रिजल्ट आपको याद ही रखना पड़ेगा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर उसके राइट वाले एंगल से एक परपेंडिकुलर लाइन अपोजिट साइड पे ड्रॉ की जाएगी तब बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ए डी इंटू सी डी, ठीक है, वैसे नाम चेंज भी हो सकता है। तो देखिए बी डी स्क्वायर अगर हम निकाल लेते हैं यहाँ से, तो बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी, ए डी कितना है 4 × CD कितना है 5, तो फाइनल क्या मिल गया यहाँ से आपको, बी डी एस इज स्क्वायर इक्वल टू 4 × 5 = 20, तो ये 20 मिल गया। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है कि ए बी स्क्वायर बताएं, और सॉरी ए बी बताएं कि ए बी कितना होगा, तो देखिए ए बी निकालने के लिए ऐसा करते हैं ना, यहाँ 90 है तो यहाँ भी तो 90 डिग्री बनेगा, मतलब अगेन ये जो ट्रायंगल ए बी डी हो गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल हो रहा है, इन ट्रायंगल ए बी डी ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें ए बी का स्क्वायर, अब देखिए ए बी हाइपोटेनियस है, कैसे पता चला हाइपोटेनियस है, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो इसकी अपोजिट साइड जो होगी ये ए बी हाइपोटेनियस होगा, तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डी का स्क्वायर एंड प्लस ये बी डी और दूसरा ए डी का स्क्वायर, यही तो पाइथागोरस थ्योरम है, तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी, देखिए बी डी स्क्वायर डायरेक्ट निकाल चुके हैं हम, बी डी स्क्वायर कितना है 20, तो 20 रख दीजिए, एंड प्लस ए डी स्क्वायर, ये ए डी 4 है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 16, यानी ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 20 + 16 दैट इज 36, सो ए बी निकालना है हमें, तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा
प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 36। सो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ए बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। अब देखिए ये ए बी क्या एक ट्रायंगल की साइड है, सो ए बी इज इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू तो हो ही नहीं सकती माइनस 6। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक साइड है, साइड एक लेंथ होती है और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। सो पॉसिबल क्या होगा हमारा, प्लस का 6। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए आज का सेशन हम यहीं पे रखते हैं, अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें।